ओम शांति। 19 जनवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धियों एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किन बात का बल चाहिए? उत्तर, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उनकी आशीर्वाद मिल जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपी बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब है रूहानी राही, भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है, जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते तो कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ पड़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। बाप को याद करना, इसी को ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप को भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते कि हम राई है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर है, इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है, जरूर पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडव पति ही देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है, अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं। कृष्ण भगवान उवाच अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात है नहीं, यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का, जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं। वास्तव में ज्ञान बाण की बात है, ये नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है। त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना, गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान की गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की है। यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वो हिंदू कह देते हैं अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र है। यह जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है, झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में है सच। सच खंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे, जो पूज्य पुराना था वह अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आपे पूज्य आपे पुजारी। पूज्य डिनास्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डिनास्टी। सूर्यवंशी कुल चंद्रवंशी कुल, तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत मालामाल था। यह बेहद की हिस्ट्री जागरूपी कोई भी नहीं जानते हैं, यह वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण है ऊँचे ते ऊँचे, इसको कहेंगे नया उच्च वर्ण। जब शादी करते तो भी कुल कुल को देखते हैं ना,
तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मणों तो ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वह यह नहीं जानते, यह नई बात है ना, मनुष्य समझते हैं इनो की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। यह तुम बच्चे जानते हो, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजा स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह न सके। वे तो जो पास्ट हो गए उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं। तो मनुष्य समझते हैं, गीता को मानते हैं, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा, भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। तुम बच्चे जानते हो यह है पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, फिर नहीं खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जुती। इन जुती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना ही है। जो नए थे नया था वही अब पुराना है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने इसमें लिए हैं। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है उनको भी पतित बनना पड़े, तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना, आप ही पूज्य। वह श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की भेंट पूजा करते हैं, वंडर है। पिछाड़ी में के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया है। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्त्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेज हो गए ना। अब तुम बच्चों को बाप श्रृंगार कर रहे हैं, अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा, अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए हमको बहुत शांति मिली, परंतु यह तो हुई अल्पकाल क्षणभंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेंगे, यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में रहती है। तो सयाने बच्चे हैं, वह कलह पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई 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 नई नई गोपिकाओं को घर बैठ एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया, बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे, आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा कामचिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा है, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। यह बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे, यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजा ही खो बैठेंगे, इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं मानना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करे। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, और माया फिर बिल्कुल कंगाल वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। भल कोई के पास 50 करोड़ है तो भी वर्थ नॉट ए पेनी है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है, साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। बाबा राय देते बच्चे सेंटर खोलते जाओ।
मनुष्यों को बैठ श्रृंगार करो, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसी को समझा सके या दूसरे को खोल कर दे तो वह बैठ समझावे, तो उनकी आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना, एक ही जन्म के लिए फायदा है, ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर न चले? कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, विघ्न तो पड़ेंगे ही। बांधे लिए गोपियों के ऊपर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना है, इसमें निर्भय होना होता है, बाप की महिमा है। निर्भय निर्वैर, हमारा कोई इससे वैर नहीं है। बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों को आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है, नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भर प्रजा लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा है। प्रजा भी तो बनानी है ना, मनुष्य से देवता बनाना यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। तुम ब्राह्मण हो उच्च ते उच्च, वह नीच ते नीच, तुम हंस व बगुले, तो जरूर झगड़ा होगा, अत्याचार होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है, बाप आकर आबाद करते हैं, साल्वेंट बनाते हैं, पिछाड़ में बादशाही तुम्हारी होगी, लड़ाई के बाद भारत मालामाल बनता है। वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख है नहीं है। बल कमल फूल समान है, चक्र भी है परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियों की मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म जो चक्र लगाकर आई। अब इनको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो ये चक्र पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो, विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारकती दे दो। देह से जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञानी तू आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं जाना, तब ही न्यारा और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारे का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक अनुभूति की किरणों इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकती है। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया।